कहाँ रह गई थी। वैसे भी आज पहली बार उन्होंने मुझे बुलाया है, लगता है दीदी मुझसे खुश हो गई। वैसे तो हमेशा मुझसे ही करती रहती है, पता नहीं कब तक आएगी। काम तमाम। टाइम कितना हो गया दीदी? आ गए आप? हाँ, और ठीक है तू? देख, मुझे पता है कि आज तक मैंने तुझे कभी अपनी बहन नहीं माना और मैंने सीधे में कभी भी तुझसे बात नहीं की, पर उसके लिए देख सॉरी, पर है तो तू मेरी बहन ही ना, सौतेली है तो क्या हुआ, सौतेली बहनों में भी प्यार होता है ना। तू मेरी बहन है और रहेगी, कोई कुछ भी बोले। आज तक तो मैंने कभी भी तुझे नहीं माना, कभी भी प्यार नहीं किया। एक काम कर, ये पानी पी ले। हाँ दीदी, बस भी आप ये सब बातें भूल जाओ, अब हम अच्छे से रहेंगे दोनों एक साथ, ठीक है? हाँ, और पता है मैं तुझे आज ना शॉपिंग पे भी ले जाऊंगी। और शॉपिंग? हाँ, और मैं तुझे रात को डिनर पे भी पार्टी दूंगी आज बाहर तुझे। हाँ दीदी, बस मैं आपके साथ है। कभी पानी पी ले। मैं कब से धूप में बैठी हूँ, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, थोड़ा सा पी लेती हूँ। हिम्मत कैसी हुई पानी गिराने की? तुझे पता है वो मैं अपनी बहन के लिए लाई थी, कितनी धूप हो रही तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? बस करो तुम, तुझे पता है कितना प्यार क्यों उस पर दिखा रही हो तुम, फूलों की तरह प्यार क्यों बरसा रही हो तुम? अच्छा, तुम अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए तुम अपनी सौतेली बहन को मारना चाहती हो ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये क्या बोल रही हो तुम? वो मेरी बहन है। हाँ हाँ, मैं तो पागल हूँ, मेरा दिमाग खराब है तभी तो मैं बोल रही हूँ, इस पानी में जहर है। हाँ, और ये तुम्हें मारना चाहती है जान से, ताकि सारी प्रॉपर्टी इसकी हो जाए। तुम्हारे बात तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वो मेरी बहन है, वो मुझे क्यों मारना चाहेगी? अरे आज तो मेरे लिए कितने प्यार से पानी लेकर आई है और मुझे डिनर पे भी ले जाएगी, और आज ही हमारी बात हुई अच्छे से, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? वही तो, तुम्हें नहीं पता ना, आज ही बात हुई है, आज ही डिनर पे लेके जा रही है, आज ही इतना प्यार क्यों जता रही है? क्योंकि इसने आज ही प्लान बना लिया ना कि तुम्हें मारना चाहती है। तू पागल है क्या? कहाँ से उठ के आई है? तेरा दिमाग खिसक गया है क्या? पागल खाने ले चलूं? अरे वो मेरी बहन है, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया तो मैं उसके पास आ गई थी और वो पानी मैं उसको पीने के लिए लाई थी, उसमें जहर क्यों मिलाऊंगी मैं? अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ और तुम सच बोल रही हो? अरे रहने दो, बस इंसान को पता भी है बहनों का रिश्ता कैसा होता है? अरे पवित्र रिश्ता होता है, पवित्र, जान निछावर करनी चाहिए तुम्हें तो। ये कुछ भी बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें लगता है कि मैं जहर मिलाऊंगी? हाँ दीदी, मुझे पता है आप ऐसा नहीं कर सकती, आप मुझसे बहुत प्यार करती हो। देखो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, मेरी दीदी ऐसी नहीं है। हाँ, तुम्हारी दीदी ऐसी नहीं, तुम्हारी दीदी बहुत बुरी है। ऐसी बहन होने से अच्छा कि ना बहन हो, तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर, इतना भी नहीं पता कि उसकी जिंदगी, उसकी जान भी कुछ है इस दुनिया में, उसको भी कुछ करना है, उसे भी आगे बढ़ना है, बस तुम्हें ही प्रॉपर्टी लेनी है और शादी करनी है और मजे से अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना है। तुम्हें पता भी है वो लड़का तुमसे प्यार करता है या नहीं करता, जिसके लिए तुम अपनी बहन को मार रही हो? बस करो तुम, कब से तुम्हारी बकवास सुनने जा रही हूँ। अरे कह रही हो ना, वो मेरी बहन है, वो ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? और प्लीज जाओ अपना काम करो। अच्छा, तो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा और इसके बाद तो विश्वास हो रहा है? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा था वहां पे। यार पता नहीं कहां रह गए, इतना टाइम हो गया। ये लो, इसमें डाल दो इसे। ले आए? हाँ। बोल के तो लायो ना कि जल्दी असर कर जाए। अरे इसको खाली देखते ही लोगों पे असर हो जाता है, डाल के तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। जल्दी करो। अब उसकी सारी दौलत मेरी और वो भगवान को प्यारी। चलो इसने पानी में जहर मिलाया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। देख चुप कर, अगर मुझे जहर मिला के उसे मारना होता तो मैं पहले ही मार देती, उसमें इतना प्यार दिखाने की क्या जरूरत थी? खाना तो मैं ही बनाती हूँ, खाने में मिला के खिला देती है ना, घर में भी कर सकती थी, पर मैं उसे बाहर क्यों मारूंगी? तेरा दिमाग खिसक गया है क्या? देखो तुम ना इसकी बातों पे यकीन मत करना, आज मैं तुम्हें बाहर ले जाने वाली हूँ ना, आज मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है ना, पर इसे हमारा रिश्ता ना हजम नहीं हो रहा है, देखा नहीं जा रहा है कि हम दोनों बहनों के बीच प्यार हो गया है, पता नहीं कौन है कहाँ से उठ के आ गई है और हमारे बीच आग लगा रही है। हाँ, मैं तो जानी दुश्मन की मूवी की हीरोइन हूँ ना, जो मुझे तुम दोनों की जान लेनी है और तुम दोनों की दुश्मनी निकालनी है अपनी, कोई मैं 80 सालों पुराना तुमसे दुश्मनी का बदला नहीं निकालने आई हूँ, तुम जो कर रही हो वो बताने आई हूँ। अच्छा चलो ठीक है, इतना ही सब कुछ है ना, मैं सारी बातें झूठी हैं, मैं झूठी हूँ है ना, मैंने जो तुम्हें देखा जहर मिलाते वो झूठा है। एक काम करो, ये लो इसमें पानी है ना, लो पी लो।
है तो पागल पागल है क्या? मुझे प्यास नहीं लगी है, मैं पानी पी के आई हूँ। वो क्यों झूठ बोलेंगी, और हम तो इन्हें जानते भी नहीं है, और ये भी हमें नहीं जानती। और दीदी आपको इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? छोटी तू पागल पागल है क्या? देखना यहाँ पे कितनी धूप हो रही है, तो पसीने आ रहे हैं। और कोई भी तेरे से आके कुछ भी कहेगा तो मान लेगी। मैं तेरे लिए पानी लाई थी, तेरे से इतना प्यार करने लगी हूँ मैं, पर तुझे उसकी बातों पे यकीन है? अपनी बहन की बातों पे यकीन नहीं है? एक काम करो ना, इतनी गर्मी हो रही है, पसीने आ रहे हैं, पानी तो इंसान वैसे भी 2-3 लीटर पी ही लेता है गर्मी में। तुम्हें तो मैं फिलहाल 2 घूंट पीने के लिए कह रही हूँ। नो नो नो, पी लो। हाँ दीदी अभी पानी पी लो, और इसको भी झूठा साबित करो। लो। अरे मैंने बोला ना कि मुझे पानी नहीं पीना है, मैं पानी पी के आई हूँ। दिखाओ, मैं इसको पिलाती हूँ। ले ना, ले पानी पी। क्योंकि मैं इससे नफरत करती हूँ, हमेशा मैं इससे नफरत करती थी। मेरे मम्मी पापा ने इसको गोद लेके मेरी प्रॉपर्टी आधी इसके नाम कर दी। क्यों? मैं उनकी सगी बेटी हूँ, फिर भी उन्होंने आज तक मेरे नाम प्रॉपर्टी नहीं की, उसके नाम कर दी। ऐसा क्यों किया उन्होंने? छोटी छोटी बोल के हर चीज उसे ला के देते, मुझे कभी भी नहीं ला के देते। क्यों? तुम बड़ी हो, तुम इसमें रहना सीखो, मैनेज करना सीखो, हमेशा उसी के लिए लाते। क्यों? अपने माँ बाप के अच्छे कर्मों का फल इस तरीके से चुकाओगी? उन्हें भी शराब आए ऊपर जाके कि उन्होंने क्या कर्म करे थे और उनकी बेटी क्या कर्म कर रही है। दीदी माना कि हम सौतेली बहनें हैं, लेकिन मैंने आपको कभी अपनी सौतेली बहन नहीं समझा। मैंने हमेशा आपको एक अपनी बड़ी बहन समझा, और आपने मेरे साथ क्या किया, मुझे ही मारने चली। आपको जरा भी शर्म नहीं आई? कभी भी तुझे अपनी बहन नहीं समझा मैंने। क्यों? क्योंकि तू पराई है और पराई रहेगी, सौतेली है सौतेली ही रहेगी। मैं तुझसे कोई भी प्यार नहीं करती हूँ, समझ गई? ये बात अपने भेजे में अच्छे से बैठा ले। मैंने जो देखा इंसानियत के नाते आपकी मदद कर दी, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी बहन के साथ रहना चाहोगी या नहीं रहना चाहोगी, क्योंकि तुम्हें जिंदगी भर इससे खतरा रहेगा। बाकी तुम्हारा काम है, क्योंकि सौतेले सौतेले ही होते हैं, शायद कभी वो सगे नहीं बन सकते। दीदी आपको मुझसे इतनी नफरत है ना? ठीक है मैं जा रही हूँ, आप रहो अपनी प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी चाहिए थी ना आपसे, ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे। छोटी रोक, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। वैसे भी भगवान ने मुझे अपनी सगी बहन नहीं दी है, शायद तुझे भेजा है मेरी बहन के रूप में। सॉरी, मुझे माफ़ कर दे।